अगर इस देश के अंदर कोई बांग्लादेशी घुसा हो, इस देश में अगर घुसपैठ करके कोई बांग्लादेशी रहता हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसको इस देश में रखना चाहिए? क्या इस देश में रखना चाहिए? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कल तक शिवसेना भी यही कहती थी। काल पर्यंत शिवसेना पण हेच म्हणायची, हे घुसखोर बांगलादेशी मुंबईत बाहेर काढा, मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट करतात। काल पर्यंत शिवसेना पण हेच म्हणायची, पण सत्तेनी खुर्चीनी त्यांची तोंड बंद करून टाकली, त्यांच्या तोंडाला खूप लागलं। आता ते देखील बोलायला तयार नाही, अरे आम्हाला सत्तेशी खेळ देणं नाही, आम्ही कोण आहोत? आम्ही या देशाकरता आपला जीव द्यायला तयार असलेले लोक आहोत। अरे सत्ता येईल जाईल, सत्तेने काही कोणाचं फल होईल तर होईल, पण हा देश राहायला पाहिजे, ये देश रहना चाहिए, ये भारत रहना चाहिए। हमारे अटलजी ने कहा था, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां पलेगी बिगड़ेगी, ये देश रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। हम इस देश की बात करते हैं, अरे अगर इस देश की सुरक्षा के लिए हमको कुर्सी पे लात भी मारनी पड़े, हम लात मारकर निकल जाएंगे, पर इस देश को बदनाम नहीं होने देंगे, इस देश को असुरक्षित नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ लोग अपनी कुर्सियां बचाने के लिए सावरकर जी का भी अपमान सहन करते हैं। अरे जो लोग ये भी सहन करते हैं, क्यों नारे लगे? नारे लगते हैं, सावरकर तेरी कब्र खुलेगी जेएनयू की छाती पर। अरे सावरकर की कब्र खोलने की औकात किसकी है? कौन माइका लाल पैदा हुआ जो सावरकर की कब्र खोलेगा? सावरकर की कब्र खोदने की जो बात करेगा, उसकी चार पुष्टों की खबर ये जनता खोद कर रखेगी। क्या नारे लगते इस देश में? हिंदुओं की कब्र खुदेगी जेएनयू की छाती पर, हिंदुओं की कब्र खुदेगी जेएनयू की छाती पर, इस देश में नारे लगते हैं। दोस्तों, ऐसे नारे लगाने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऐसे नारे लगाने वालों के साथ लेफ्ट पार्टियां खड़ी है। और मुझे आश्चर्य होता है, कल तक अपने आप को हिंदुओं का मसीहा कहने वाले हमारे मित्र भी उनके साथ खड़े हमको दिखाई देते हैं।